वो तो झांसी वाली रानी। ये गाँव कैसे? अब तक तो ये बिल्कुल ठीक था, ये रात रात में क्या हो गया इसे? समझिए आधी जीत मिल गई आपको और आधी कल खेल के मैदान में महाराज गंगाधर के हारे हुए चेहरे को देखकर मिल जाएगी। Be assured, your excellency, हम दोनों पार्टनर्स हैं। धोखे का खेल में भी साथ में खेलेंगे और जीत के जश्न में भी बराबर के हिस्सेदार होंगे। बस और 11 गांव हाथ लग जाए। एक और करारी हार के लिए तैयार हो जाइए महाराज गंगाधर। अरे ये तो बस शुरुआत है, आपकी हार का सिलसिला तो तब तक चलता रहेगा जब तक झांसी के सिंहासन पर महारानी बनकर जानकी बाई नहीं बैठ जाती। महाराज हमें लगता है अभी इस घोड़े को मार देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये हमारे प्रिय है और जो हमें प्रिय होते हैं हम उनका आखिरी सांस तक साथ देते हैं। इसका इलाज किया जाए और तब तक किया जाए जब तक इसकी सांसें साथ देती हैं। जी महाराज, क्षमा करें महाराज, पर आज के खेल प्रतियोगिता में आप किस घोड़े की सवारी करेंगे? ये किसका घोड़ा है? घोड़ा तो बिठूर के किसी खास व्यक्ति का महाराज। बहुत ही शानदार घोड़ा है, हम जीत की सवारी इसी पर करेंगे। इसका भी ये घोड़ा है उसने इसे बहुत अच्छे से रखा है। आज के खेल के लिए तैयार किया जाए। जी महाराज। महाराज यहां भी नहीं है, फिर कहां है? आपने महाराज को कहीं देखा है? महाराज तो खेल प्रतियोगिता के लिए तैयार होने चले गए। काशी हमें महाराज को उन फिरंगियों के जाल में फंसने से पहले रोकना होगा, ना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अच्छा तो वो अब कहाँ होंगे? दरअसल बहुत जरूरी बात करनी है उनसे। जी बहुत देर हो गई आपसे, क्योंकि तैयार होते ही महाराज खेल के मैदान में उतर जाएंगे। वैसे हम आपका संदेश उन तक पहुंचा सकते हैं। वो कैसे? आज के खेल में महाराज इसी घोड़े की सवारी करेंगे। मैं इस घोड़े को तैयार कर उनके पास ले जाना है, तभी हम आपका संदेश उन तक पहुंचा देंगे। महाराज
महाराज ने हमारे घोड़े को चुना है इस खेल के लिए? क्योंकि उनका प्रिय घोड़ा बीमार है। काशी, विधाता का खेल तो देखो, महाराज ने चुना भी तो हमारे घोड़े को। अब रहने दीजिए, हम खुद ही मार्टन को तैयार करेंगे फिरंगियों के खिलाफ इस जंग के लिए, और महाराज के पास भी हम खुद ही इसे लेकर जाएंगे। यही सही मौका है महाराज के सामने सारी सच्चाई रखने का। पता है काशी, मार्टन ने हमेशा हमारा साथ दिया है, और देखना काशी, आज भी वो उन फिरंगियों के घिनौने इरादों पर पानी फेर देगा। हम महाराज का विजय तिलक नहीं कर पाए तो क्या हो? अपने मार्टन का विजय तिलक अवश्य करेंगे। जो महाराज को जीत की सवारी कराएगा। आज हम शपथ लेते हैं कि आज जीत भी हमारी होगी और मुंह मांगा इनाम भी हमारा, और वो इनाम होगा 11 गांव जिन पर उन धूर्त फिरंगियों ने कब्जा कर रखा है, और खाक में मिला देंगे उन फिरंगियों के मंसूबों को। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पोलो मैच में आप सभी का स्वागत है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये मैच 3 वर्षों की विजेता ईस्ट इंडिया कंपनी के दल और महाराजा गंगाधर की झांसी रॉयल के दल के बीच खेला जाएगा। पहली शिकस्त तो हमने महाराज को खेल शुरू होने से पहले ही दे दी, उनका मनोबल तोड़कर। उनके सबसे पसंदीदा बेहतरीन घोड़े को खेल से दूर कर। अब आपको महाराज को खेल में करारी हार देकर इस कार्य को अंजाम देना है रॉस साहब। रिलैक्स योर एक्सीलेंसी, शेर को शिकार करना नहीं सिखाता है, जीतने का टेंशन किसको है? हमें तो महाराज के लिए बुरा लग रहा है। After all, he is my friend. तो आप अपनी दोस्ती निभाइए, हम तो मनोरंजन के लिए तैयार हैं। आज तो डबल मनोरंजन, वही मनोरंजन, डबल मनोरंजन होगा। Because Governor General Lord Edinburgh will be our chief guest, and we will present him with 11 more villages after winning this game. और हाँ, आप मुझे ये बताइए कि महाराज को गिनती कहाँ तक आती है? गिनती? रॉस साहेब, ये पोलो का खेल है, गणित नहीं। और महाराज को कहां तक गिनती आती है, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि आज इतने गोल करेंगे कि वो गिनती ही भूल जाएंगे। प्लीज, आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि आपने पोलो शूज नहीं पहने हैं। तो क्या हुआ अगर हमने जूते नहीं पहने तो? नियम के अनुसार खिलाड़ी के अलावा अंदर वही जा सकता है जिसने पोलो शूज पहने हो। वाह, क्या नियम है, हमें हमारी धरती पर चलने की अनुमति नहीं है। कभी हमारे कदमों को प्रथाएं रोकती है तो कभी तूफान, और आज जूते भी हमारे मार्ग को रोकने का कारण बने, पर हमने भी रुकना नहीं सीखा है। यह आवाज जानी पहचानी से लग रही है। हमें तुम्हारी अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं। सर, we want to discuss something with you. हमने तुमसे कहा ना, हमें महाराज से मिलना है और हम महाराज से मिलकर ही रहेंगे। Who is this girl? लाइए इस घोड़े को, हम महाराज तक पहुंचा देते हैं और आपको अंदर नहीं जाने दे सकते।
हमें सुना ही नहीं दिया। हमने कहा ना हमें महाराज से मिलना है, और तुम क्या, हमें कोई नहीं रोक सकेगा। क्या हो रहा है ये सब? अच्छा वो आई साहब, आप हमें मिल गए। देखिए ना, ये हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। आपको इस घोड़े को महाराज तक पहुंचाना है? हाँ, पर आई साहब, घोड़े को महाराज तक पहुंचा दीजिए। पर आई साहब, हमें महाराज से मिलकर कुछ बातें करनी थी। लगता है वाग्दान में नहीं मिल पाई, इसलिए परेशान है। मणिकर्णिका, आप उनसे अभी नहीं मिल सकती। वो खेल के लिए तैयार हो रहे हैं और खेल के लिए बस कुछ ही समय बाकी है। यही तो हम नहीं चाहते, ये धोखे का खेल। आई साहब, ये खेल नहीं, फिरंगियों की एक चाल है, क्योंकि वो महाराज को हराकर और 11 गांव हड़पना चाहते हैं। ये सब इसे कैसे पता चला? और यही बात कब से महाराज को बताने के लिए परेशान है। धोखे का खेल चरम पर, चूका निशाना कहर गिरा होगा। आप भी क्या कह रही है? किसने बताया आपको? हमें किसी ने बताया नहीं आई साहब, हमने खुद सुना है। आपको कैसे बताएं कि किस तरह इन धोखेबाज फिरंगियों के मुंह से दूर तक भरे शब्द ज्वार की तरह फूट रहे थे, जब वो एक दूसरे के साथ मिलकर महाराज के खिलाफ ये योजना बना रहे थे। आई साहब, इस खेल को मत होने दीजिए। खेल तो शुरू हो चुका है बेवकूफ लड़की, और हमें रोकना तो है, मगर इस खेल को नहीं, तुम्हारे बढ़ते कदमों को। इतना बड़ा धोखा, अच्छा हुआ आपने हमें बता दिया। अब हम भी देखते हैं वो फिरंगी अपने मंसूबों को कैसे अंजाम देते हैं। हम जाकर महाराज को सब सच बता देंगे। धन्यवाद आई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आई भी कहती है और धन्यवाद भी करती है। मणिकर्णिका, अगर हम आपके मन की बात नहीं समझ पाए तो किस बात की आई? अभी हम चलते हैं। जी आई साहब। और हाँ, ये बात किसी से मत कहिएगा। वो क्या पता कौन कौन मित्र बनकर महाराज से दुश्मनी निभा रहे। आपने देखा ना आई साहब, किस तरह ये फिरंगी मित्रता का मुखौटा पहनकर पर हृदय में शत्रुता की आग लेकर घूमते हैं। कहीं आपने गलत लड़की का चुनाव तो नहीं कर लिया महाराज के लिए? हम समझ सकते हैं, चलते हैं। जी आई साहब। कोई है? मोहिनी साहब। तैयार करते करते कहां चली गई थी वहिनी साहिब? विलंब मत करें, हमें देर हो जाएगी। अच्छा हुआ आप आ गए वहिनी साहिब, कृपया हमारा वो कमरबंद हमें दे दीजिए।
साहब, अगर आप तैयार होने में हमारी सहायता कर देंगी तो हम खेल के मैदान में समय से पहुंच जाएंगे। हाँ, सब हमारी राह देख रहे होंगे। देखिएगा भाई ने साहब, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी टीम को धूल चटाकर हमारी मिट्टी का स्वाद चखाते हैं। उन्हें भी तो पता चले कि हम उन्हीं का खेल उनसे बेहतर खेल भी सकते हैं और जीत भी। हे देवा, महाराज को भी अपनी मिट्टी और अपनी झांसी की जीत से कितना प्यार है। भाई साहब, आप यहाँ क्या कर रही है? हमने आपको बताया था ना कि हम महाराज से बात करेंगे। अगर उन्हें इस तरह सब कुछ सच पता चल जाएगा तो वो आहत हो जाएंगे, इसीलिए हम उन्हें अपने ढंग से बताना चाहते थे। मणिकर्णिका, आपने क्या कहा उनसे? कुछ भी तो नहीं आई साहब, कुछ नहीं कहा। नहीं, ना जाने क्यों हम उनसे कुछ कह ही नहीं पाए। कल से आप इतनी परेशान थी, क्या क्या नहीं किया महाराज से मिलने के लिए, और जब मिले तब क्यों नहीं सारी बात बताई महाराज को? पता नहीं काशी, हमने तो सोचा था कि महाराज से मिलते ही सारा सच बता देंगे, पर मौका ही नहीं मिला। पर ये अच्छा किया कि आपने रानी साहब को सब कुछ बता दिया, वो महाराज से अवश्य बात करेंगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं, कितना रोचक ये खेल है, उससे भी ज्यादा रोचक है इस खेल को जीतने वाले दल का इनाम। जी हाँ, जीतने वाले दल को मिलेगा इनाम। अरे, खेल तो शुरू होने वाले। हाँ, हम भी वही सोच रहे हैं। ये देवा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आई साहब महाराज को सच नहीं बता पाई? पर आई साहब है कहाँ? Today, our pride is at stake. And by hook or by crook, we must win. As Governor General Lord Edinger is the guest of honor in today's match. He knows we are fighting for those 11 villages. We as a team are superior. Yet, we must be clinical and ruthless and decimate the opposition. Let's go get those 11 villages. Yes! शक कर लीजिए, इसकी मिठास आपकी सफलता की मिठास में परिवर्तित हो, यही आपके वहनी साहिब का आशीर्वाद है आपको। अब चिंता ना करें वहनी साहिब, इस बार जीत हमारी ही होगी, हम अपनी जान लगा देंगे। महाराज, हार जीत तो होती रहेगी, आप बस ध्यान से खेलिएगा। और जान क्यों लगाना, आप खेल खेलने जा रहे हैं, जंग लड़ने नहीं। बेशकीमती है हमारे महाराज की जान,
आप परेशान मत होइए बहनी साहिब, आपका आशीर्वाद है ना, तो फिर कैसा डर। धोखे का खेल चरम पर, हमें भरोसा है सिर्फ हम पर। आप तो कह रही थी कि रानी साहब खेल को रोक देंगे, पर ये आफत हमारी तरफ क्यों आ रही है? आई साहब, लगता है आई साहब ने कुछ ना कुछ अवश्य किया है, तभी तो देखो इशारे से निश्चिंत रहने का आश्वासन दे रही है। हम तो व्यर्थ ही चिंता कर रहे थे। अब दोनों ही दल मैदान के बीच में जाएंगे, जहां पर एम्पायर उनका टॉस के लिए इंतजार कर रहे हैं। दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता है, सबके मन में यही सवाल है कि ये टॉस कौन जीतेगा। तुम्हारे घोड़े का विजय तिलक किसने किया? चलिए मित्र, आज हम दोनों मिलकर जीत की सवारी करते हैं। काशी, तुम नीचे क्यों बैठ रही हो? वहां बैठो ना। मैं वहां कैसे? जैसे हम यहां बैठे हैं, तुम वहां बैठ जाओ। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबर्ग पधार रहे All the best, महाराज। आपको भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। पर जीत तो हमारी होगी, वो तो समय ही बताएगा। फ्रेंडशिप अपनी जगह है, पर खेल तो हम पूरी जोश से खेलेंगे, आपको अपने दुश्मन समझकर। मित्रता तो हम भी नहीं निभा पाएंगे खेल के मैदान में। जीत तो हमारे भी सम्मान से जुड़ी है रॉ साहेब। वैसे आज मैंने अपने स्टार प्लेयर को खेलने से मना कर दिया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर फ्रेंडशिप। गो एंड वार्म द बेंच जैक, आई एम श्योर यू विल हैव अ वेरी एंटरटेनिंग गेम टू वॉच। हे देवा, ना जाने क्या होने वाला है।
आखिर क्या सोचा है आई साहब ने? अब दोनों ही दल मैदान के बीच में जाएंगे, जहां पर एम्पायर उनका टॉस के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको इस खेल के नियमों से अवगत कराता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों टीमों से चार चार प्रतिभागी इस खेल में हिस्सा लेंगे। ये खेल 8 चौकर में पूरा किया जाएगा और हर एक चौकर 7.5 मिनट का होगा, और हर एक चौकर के बाद दोनों ही टीमों को 5-5 मिनट का एक अंतराल दिया जाएगा, जिसमें दोनों ही टीमें अपने अपने खेमे में जाके विश्राम करेंगी। और जैसे ही अंपायर इस गेंद को फेंकेंगे, ये खेल हो जाएगा शुरू और दोनों ही टीम के प्रतिभागी अपने अपने पोलो स्टिक से इस गेंद को गोल में दागने का प्रयास करेंगे, और जो भी इसमें सफल होता है उसे इसके लिए एक अंक मिलेगा। ये खेल पूरा होने पर, यानी 8 चौकर पूरा होने पर, जिस भी दल के अंक सबसे ज्यादा होंगे वो दल होगा इस खेल का विजेता। गुड लक टू बोथ टीम्स। नाउ पिक अ नंबर। तो चलिए देखते हैं कौन सा दल अब टॉस जीतेगा। 2 And the call goes to the East India Company. All the best, Your Excellency. और ईस्ट इंडिया कंपनी के दल ने ये टॉस जीत लिया है और अब उन्हें मिलेगा मनचाहा पाला चुनने का मौका। Use your field. That side. Let the games begin. और इसी के साथ ये खेल हो चुका है शुरू। आई साहब, खेल तो शुरू हो गया। आप चिंता ना करें, हमने महाराज को बता दिया है। फिर भी उन्होंने खेलने का निर्णय लिया। हाँ, और हमें उस निर्णय का सम्मान करना चाहिए। पर आई साहब, भरोसा रखिए, जो होगा अच्छा ही होगा। जाइए, अपने स्थान पे बैठ जाइए। जी आई साहब। गेंद छीनने की कोशिश करते हुए दोनों के बीच काफी कठिन संघर्ष चल रहा है, लेकिन लगता नहीं गेंद छीन पाएंगे। और मार दिया है कैप्टन रॉस ने पहला गोल। और उन्होंने इसी के साथ इस खेल में 1-0 से बढ़त ले ली है। इतनी अजीब लड़की है, परेशान करके रखा है हमें। क्या जरूरत है इसे इन सब बातों में पढ़ने की? It's good for Jhansi Royal that I am not playing, वरना मैं गोलों की इतनी बारिश करता कि उस बारिश में इनकी इज्जत धुल जाती, वो भी वुड बी क्वीन के सामने। आपने देखा इस गोल के बाद दोनों ही दलों ने अपने अपने पाले की अदला बदली की। अब एक बार फिर एम्पायर गेंद को फेंकेंगे। और ये क्या, एम्पायर ने गेंद फेंका और इसी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के दल ने गेंद को ले लिया और भाग रहे हैं गोल की तरफ। लगता है ये गोल भी इनके हाथ में ही होगा। झांसी रॉयल का गोल होना संभव ही लगता है। किसी ने सही कहा है, कुछ भी असंभव नहीं है। महाराज गंगाधर ने गोल को अपने कब्जे में ले लिया है। और भाग रहे हैं गोल की तरफ। लगता है गोल करेंगे, लेकिन कैप्टन रॉस हार मानने वाले नहीं है। दोनों के बीच कड़ा संघर्ष चले जा रहा है और यह महाराज का गोल। और इसी के साथ इस गेम में दोनों ने एक एक से बराबरी कर ली है
झांसी के दर्शकों में खुशी का माहौल नजर आ रहा है। आप तो सही में हमारे मित्र निकले और आप तो हमसे भी अच्छा पोलो खेलते हैं। कमाल का प्रशिक्षण दिया है आपको। काशी, हम व्यर्थ ही चिंता कर रहे थे। आई साहब कब से हमें समझाने की कोशिश कर रही थी पर हमारा मन ही नहीं मान रहा था। इन फिरंगियों का 11 गांव हड़पने का सपना सपना ही रह जाएगा। हाँ, और वो भी जागती आंखों का सपना। हाथी और घोड़े पर तो कोई भी बैठ सकता है कैप्टन रॉस, पर ये सवारी केवल राजाओं की कहलाती है। इसी तरह पोलो को आप बेशक ही अपना खेल समझे पर सच तो ये है कि ये व्यापारियों का नहीं राजाओं का खेल है। लास्ट 3 ईयर्स के मैचेस आप भूल गई योर एक्सलेंसी? ना भूले हैं और ना ही खुद को भूलने देंगे, क्योंकि हार की टीसी हमें जीत तक लेकर जाएगी। काशी, हमें लगता है इस बार जीत महाराज की ही होगी और फिर हम उनसे कहेंगे इनाम के तौर पर 11 गांव वापस मांग लें। महादेव जानते हैं, जीत के बारे में सोचकर तो हमारे पेट में अभी से गुदगुदी हो रही है। जीत तो अवश्य मिलेगी, हमारे आजोबा कहते थे सही उद्देश्य के लिए किया गया कार्य हमेशा सफल होता है और इस खेल का उद्देश्य उन सभी बेघर लोगों को घर दिलाना है। और झांसी के दल में इसी के साथ एक नया जोश, एक उत्साह नजर आ रहा है। बॉल कैप्टन रॉस के हाथ में, महाराज उसे गेंद छीनने की कोशिश करते हुए लेकिन ये बड़ा नाकाम सा लग रहा है। और ये एक चमत्कार फिर से हुआ है, महाराज ने गेंद अपने कब्जे में ले ली है और गोल की तरफ भागते हुए, पर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि बाजी कभी भी पलट सकती है। ये घमासान अभी बड़ा तेजी चले जा रहा है और दोनों की नजर गोल पर है और महाराज ने इसको मार दिया है गोल की तरफ। एक और गोल और झांसी रॉयल का एक और गोल। इसी के साथ झांसी रॉयल ने खेल में 2-1 से बढ़त ले ली है। काशी देखना, महाराज इन फिरंगियों के छक्के छुड़ा देंगे। हम तो बस इन फिरंगियों के हार के बाद उनका लटका हुआ मुंह देखना चाहते हैं। पता है काशी, आज हमें ऐसा लग रहा है जैसे महाराज अपनी झांसी अपनी देश के लिए खेल रहे हैं। और इसी के साथ पहला चौकर हुआ समाप्त। जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि दोनों ही दल अपने अपने खेमे में जाकर 5 मिनट का विश्राम करेंगी। हम फिर लौटेंगे 5 मिनट के बाद इस रोचक खेल का आनंद लेने के लिए। महाराज गंगाधर इतना अच्छा कैसे खेल सकता है? और वो स्टेडफास्ट हॉर्स, डू यू रिमेम्बर आपने क्या कहा था कि आपने उनके बेस्ट हॉर्स को रास्ते से हटा दिया है? फिर ये हॉर्स हमारे विक्ट्री के रास्ते पे कैसे आ गया है?
धीरज रखिए रॉ साहेब, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन सब तो चौपट हो गया ना। I asked you to keep a constant eye on him. इतना नशा करवाइए कि और कुछ करने का लायक ना बचे। बट आपने क्या किया? This is how you're doing it. रॉ साहेब, हमें भी अंदाजा नहीं था। तो अंदाजा होना चाहिए था। It is our policy कि दुश्मन क्या सोच रहा है वो हमें पहले से पता हो। Look, आप भी जानती हो कि ये मैच जीतना कितना इम्पोर्टेंट है, वो 11 विलेजेस के लिए, चाइना के साथ हमारे बिजनेस डील के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। I'm just warning you, अगर हम हार गए तो ये हार आपकी लाइफ की सबसे बड़ी हार होगी, क्योंकि मैं आपका असली चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगा। योर मैजेस्टी, आपको क्या लगता है इस सब के लिए हम जिम्मेदार हैं? रॉ साहेब, हमने दिन रात एक कर दिया ताकि आप अपने मंसूबों में कामयाब हो, और अब हमें धमकी दे रहे हैं? I don't want excuses. I want results. अभी भी समय है, जाकर कुछ कीजिए। He should not win at any cost. आपने आक्रोश पड़ा है रॉ साहेब, मगर हमें हमारा काम धैर्य से करना पसंद है। हमने हमारी दासी को भेज दिया विशेष शरबत लेके। अब इतना जोश में खेल के थक गए होंगे हमारे प्रिय महाराज। शरबत पी लेंगे तो ना तो जोश रहेगा ना होश। बधाई हो महाराज, आपका प्रदर्शन देख के हम फूले नहीं समा रहे थे। आपके आशीर्वाद और उस दही शक्कर का कमाल है वही नहीं सही। दही शक्कर से याद आया, हम आपके लिए शरबत लेके आए हैं, आपकी थकान दूर हो जाएगी। अब और भी खेलना है आपको, शरबत लीजिए। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.